को मैं आ चुकी हूँ सर उस मार्केट, और आज ना एंड जो मार्केट में एंट्री की है मैंने वो दूसरे गेट से की, बिकॉज दूसरे वाले गेट को ना बंद कर दिया गया है। तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और आप तो गए हैं देखें कैसा क्या होता है यहाँ पे कलेक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलेंगे भी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज देखो कौन आया हमारे साथ, रश बोलो बोलो वैसे सबको। तो चलिए देखते हैं सारा कलेक्शन। मार्केट में एंटर करते ही हम पहुंच गए एक्सपोर्ट लेन, क्योंकि यहां पे ही मिलता है समर वियर का खजाना। तो यहां पे सबसे पहली जो शॉप थी वो मुझे दिखी, शॉप नंबर 195। यहाँ पे ना बहुत सारे ये क्यूट क्यूट से टॉप मिल रहे थे, एंड ये शर्ट स्टाइल भी जिसे आप एज ए ड्रेस भी पहन सकते हैं उस टाइप के भी टॉप्स मिल रहे थे। यहाँ पे टॉप्स का बहुत अच्छा वाला कलेक्शन था, बट प्राइस ना भैया कैमरा देखिए कुछ ज़्यादा ही बता रहे थे, 600-700, बट इनके बार्गेन करके आप आराम से 250-350 तक आराम से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ना इस टाइप के काफ़ी सुंदर सुंदर से टॉप्स मिल जाएंगे, और इस टाइप के रिब्ड वाले टॉप भी बहुत सारे यहाँ पे थे। और ये समर में तो मुझे बहुत कंफर्टेबल नहीं लगते हैं क्योंकि इनका फैब्रिक थोड़ा सा मोटा होता है। ये भी आपको 300-350 रुपीज़ की रेंज में मिल जाएंगे, ये थोड़े कोरियन स्टाइल होते हैं तो, बट ये समर के लिए कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। इस वाली शॉप के अंदर इस टाइप की शर्ट स्टाइल भी ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी, जिसका प्राइस भैया ने 450 रुपीज़ बताया था, बट ये आप बार्गेन करके आपको 350 तक दे देंगे। कॉटन के बॉटम्स का भी इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इस टाइप के, जिन्हें आप एज ए प्लाजो भी पहन सकते हैं, एज ए पैंट, और इसके साथ कोई भी क्रॉप टॉप पहन सकते हैं। इन सब का भी कलेक्शन इनके पास था, प्राइस जिसकी भी इन्होंने 400 रुपीज़ बताई थी, और बट ये बार्गेन करके आपको दे देंगे। इस शॉप पे डेनिम शॉर्ट्स एंड डेनिम पैंट्स दोनों का ही कलेक्शन था, 450 इसका प्राइस भैया ने बताया था। और ये ऐसा लग रहा था ना जीन्स को काट के ये शॉर्ट्स बना दिए गए हैं, जीन्स को काट के ये कैफ्री वाली जीन्स बना दी गई है, और इनका प्राइस 450 बताया था, पर बार्गेन करके इनको भी सही प्राइस में दे देंगे ये। इसके बाद में आगे शॉप नंबर 194, जहाँ पे आपको ना बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलेक्शन मिलता है, ब्रांडेड कलेक्शन मिलता है। तो शॉप के अंदर एंटर करने से पहले हम बाहर थोड़ा सा ये वाइट कलर की शर्ट्स का कलेक्शन देख लेते हैं, जो कि समर की सबकी मोस्ट ऑफ द फेवरेट शर्ट्स होती हैं, क्योंकि समर में वाइट कलर ना इतना यार कूल सा फील कराता है। तो यहाँ पे 150 रुपीज़ में सेल लगी हुई थी शर्ट्स की, ये जिनकी अगर फैब्रिक की बात करूँ तो प्योर कॉटन का फैब्रिक, तो क्वालिटी गाइस इतनी अच्छी थी कि मुझे नहीं लगता कि 150 रुपीज़ में कहीं मिलने वाली है। तो 150 रुपीज़ में आपको लॉन्ग टाइप की भी शर्ट्स मिल जाएंगी, एंड बहुत सारी शर्ट्स का कलेक्शन था, कुछ कुछ में तो एम्ब्रॉयडरी भी हो रखी थी, एंड वाइट कलर के कुछ टॉप्स भी इनके पास कॉटन में थे, जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। अगर आप ना इस समर के लिए वाइट कलर के कुछ शर्ट्स वगैरह ढूंढ रहे हैं तो इस टाइम पे सरोजनी विजिट जरूर करिएगा। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए जहाँ पे आपको 150 और 100 रुपीज़ में इस टाइप के शर्ट्स और टॉप्स मिल जाएंगे। मैं आ गई हूँ शॉप के अंदर, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉर्ड सेट का कलेक्शन दिखाती हूँ। कॉर्ड सेट की स्टार्टिंग जो थी इनके पास में 750 से थी, और लास्ट ना 1200 तक की थी, जिसमें ना जारा वाले जो थे वो 1000 तक की रेंज में थे। एंड ये जो आप देख रहे हैं थोड़े से अलग अलग वैरायटी के, ये कोई 750 के कोई 850 के इस टाइप के थे, बट इतनी वैरायटी थी इनके पास कॉट सेट की, तो बस यार मैं तो देखती ही रहेगी, मतलब इतने अच्छे अच्छे पैटर्न में थे, प्लेन में ले लो, पोल्का डॉट वाले ले लो, एम्ब्रॉयडरी वाले ले लो, सभी टाइप के इनके पास में कॉट सेट थे। कॉर्ड सेट तो गाइस इनके पास बहुत वैरायटी थी, देख लीजिए ये एम्ब्रॉयडरी वाला कॉर्ड सेट भी बहुत ही अच्छा था, इसका फैब्रिक इतना अच्छा था, बहुत प्यारे प्यारे कॉर्ड सेट इनके पास थे। अगर आप भी कॉर्ड सेट लेना चाहते हो डेफिनेटली सरोजनी अगर विजिट करें शॉप नंबर 194 जरूर चेक करना, बहुत ईजिली आपको मिल जाएगी, बहुत सुंदर सुंदर कॉर्ड सेट मिल जाएंगे। देखिए पेस्टल पाउडर पिंक कलर का जो ये कॉर्ड सेट था ये कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब कलर कितना प्यारा था, समर वाली वाइब दे रहा था। इसके साथ में इन वाले कॉर्ड सेट में सभी में आपको 6-7 कलर मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिया है।
इसके अलावा ना इनके पास में ना इस टाइप की कॉटन ड्रेसेस का भी काफी अच्छा कलेक्शन था जो कि जारा की ड्यूप्स थी। इसमें ना कलर बड़े प्यारे प्यारे से थे। ये मैं जब पिछली बार आई थी तब भी ये इस टाइप के ही कलर थे। कुछ बहुत पैटर्न्स जो है वो चेंज हुए हैं, जैसे कि ये शर्ट वाला स्टाइल जो था ये भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। बाकी ड्रेसेस में कलर आपको ये 2 से 3 कलर ही यहाँ पे मिल पाएंगे, पिंक कलर और ग्रीन कलर जो रहता है इस टाइप का। कॉर्ड सेट में काफी सारी वैरायटी इनके पास आई हुई थी, जिसमें कलर भी थे, डिजाइन भी थे, एंड इस टाइप का सारा कलेक्शन आपको मिल जाएगा ब्रांडेड वाला। और ड्रेस आपको मिड लेंथ, लॉन्ग, पूरी फुल वाली जो होती है वो सभी ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आप लोगों को। के पास ना टॉप का भी काफी अच्छा कलेक्शन था, डिजाइनर स्टाइलिश टॉप आप लोग को मिल जाएंगे, क्रॉप टॉप, अगर थोड़े से लॉन्ग टॉप लेना चाहते हैं वो सभी मिल जाएंगे। टॉप की जो स्टार्टिंग होती है वो 350 to 450 के अराउंड आपको यहाँ पे टॉप्स हैं वो मिल जाएंगे, जो भी ये बाहर आपको दिख रहे हैं। इसमें कुछ कुछ जारा के ड्यूप्स थे, कुछ ऐसे ही नॉर्मल आजकल जो ट्रेंडी टॉप्स चल रहे हैं उस टाइप के टॉप्स थे। इस टाइप के कफ्तान स्टाइल कॉट सेट भी शॉप के अंदर मुझे दिखे, जो कि ये ना बंधे इस टाइप के टाई एंड डाई वाले प्रिंट में थे यहाँ पे। इसका प्राइस भी भैया ने मुझे शायद 750 समथिंग कुछ बताया था। 4 to 5 कलर में अवेलेबल थे। ये टाई एंड डाई में दो टाइप के थे, एक ये जो व्हाइट कलर बेस में था, दूसरा जो ये डार्क कलर वाले थे। दोनों का ही फैब्रिक रियॉन था, इतना सॉफ्ट फैब्रिक था कि समर फ्रेंडली था, मतलब अगर समर में पहनेंगे तो लगेगा ही नहीं आपने कुछ पहन रखा है। इस टाइप के ना शॉर्ट्स वाले भी इनके पास थे। शॉप के अंदर भी काफी अच्छा टॉप का कलेक्शन था, उनके प्राइस भी 350 to 500 के अराउंड थे। जैसे कि डार्क कलर वाले आपने देखे, ये 350 भैया ने बताए थे, कुछ कुछ 400 रुपीज के भी थे। इन पे सब पे वो बार्गेन कर देते हैं। जैसे कि कार्गो पैंट जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो इनके पास कार्गो पैंट्स में काफ़ी सारे वैरायटी थे, कलर काफ़ी सारे थे। बट इन्होंने इसका प्राइस ना 1000 रुपीज़ बताया था, बट मुझे लगता है कि ये बार्गेन करके आपको सही प्राइस में दे देंगे। और इन्होंने बताया तो नहीं बार्गेन करके कितना कम करेंगे, बट आपको दे देंगे सही प्राइस में, तो आप वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और इनके पास ना ये सॉटन के और रियॉन दोनों के नाइट सूट का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। ये शॉर्ट्स वाले जो थे इनके प्राइस जो थे इन्होंने 450 रुपीज़ बताए थे, तो आफ्टर बार्गेनिंग आपको 400 तक तो ये दे देंगे। इसमें आपको 4 to 5 कलर्स मिल जाएंगे, फिर चाहे प्लेन वाले ले लो या इस टाइप के रियॉन वाले जो हार्ट जिसमें प्रिंट बना था उस टाइप का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इनके फुल पैंट वाले भी नाइट सूट अवेलेबल थे, जिसका प्राइस इन्होंने बताया तो 700 था, बट कहे थे 500 रुपीज़ तक ये दे देते हैं। तो उनमें भी काफ़ी सारे पैटर्न्स थे, जो कि आप देख सकते हैं स्ट्राइप वाले भी थे, प्लेन वाले भी थे, तो आपको जैसे अच्छे लगे वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। कॉटन लॉन्ग टॉप जिसे एज ए ड्रेस भी पहन सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप लैगिंग के साथ भी पहन सकते हो, ये भी इनके पास में थे। इसका प्राइस ये 500 रुपीज़ बता रहे थे, बट ये आपको कुछ ना कुछ कम प्राइस करके दे देंगे। इसमें काफ़ी सारे कलर इनके पास अवेलेबल थे, फैब्रिक बहुत ही अच्छा था और बहुत ही सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। शॉप के बाहर ना ये 150 रुपीज़ में पैंट्स की सेल लगी हुई थी। गाइस इतने अच्छे पैंट्स थे, मतलब इनका फैब्रिक इतना अच्छा था कि अगर हम शॉप पे देखने जाए ना, अगर 500 का भी देगा कोई तो हम ले लेंगे। इसमें कलर देखिए कितने प्यारे प्यारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। थोड़ा सा मुझे लगता है कमर के साइज में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, पतली लड़कियों को तो ईजिली आराम से आ जाएंगे, और थोड़ी सी मोटी लड़कियाँ होंगी उनको थोड़ा सा ये साइज ढूंढने में दिक्कत होगी, बाकी आपको बहुत ईजिली यहाँ पे साइजेस मिल जाएंगे। एंड कलर बहुत ही प्यारे प्यारे थे 150 रुपीज़ में। देखिए परफेक्ट ये टैन कलर का पैंट, जो कि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। ये टैन मतलब ऑरेंजेस शेड में था, थोड़ा सा रस्ट कलर का। ये रस्ट कलर का पैंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो सोचा था कि अगर ये रस्ट कलर का पैंट ब्लैक कलर के टॉप के साथ पहना जाए तो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा, बट मेरे साइज में ही नहीं था। ये बहुत प्यारा पैंट लग रहा था, 150 रुपीज़ में था यार, बहुत अच्छा कलेक्शन था। यही
इसी शॉप के सामने बिल्कुल साहिल गारमेंट है, जहाँ पे बच्चों की शॉप की है, बच्चों का बहुत अच्छा कलेक्शन मिलता है ये। तो शॉप के बाहर इस टाइप से 100 रुपीज के शॉर्ट्स की सेल लगी थी बच्चों के। इसमें डेनिम शॉर्ट्स भी थे, कॉटन शॉर्ट्स भी थे, जैसी आपकी मर्जी आप कोई ले लो। बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर सी कॉटन की फ्रॉक्स थी, जिनके प्राइस ना 250-350 के अराउंड था, जो ये बाहर लगे हुए थे। बाहर ना आपको ऐसे सेल प्राइस मिलेंगे 150, 100, 175, 185, बट शॉप के अंदर ना सभी के प्राइस अलग अलग रहते। और इनकी क्वालिटी रियल में नो डाउट बहुत ही अच्छी थी। मैंने बहुत बार अपनी बेटी के लिए यहाँ से परचेज किया, अभी भी 2 शॉर्ट्स लेके आई हूँ यहाँ से। जब भी आती हूँ मैं कुछ ना कुछ ज़रूर परचेज करती हूँ यहाँ पे। प्राइस भी रीजनेबल होता है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी निकलती है। शॉप के अंदर भी बच्चों के कपड़ों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। फिर चाहे वो बॉय की बात करो या गर्ल की बात करो, गर्ल के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कॉटन की फ्रॉक्स थी, वाइट कलर में भी थी, डार्क कलर में भी थी। ये 500-700 रुपीज की रेंज में थी, क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और किसी न किसी ब्रांड की ही थी ये। और इसके अपोजिट साइड में ना यहाँ पे लड़कों के कपड़ों का कलेक्शन होता, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सी शर्ट्स थी लड़कों के लिए, टी शर्ट्स थी बच्चों के लिए, मतलब बेबी बॉयज़ बेबी गर्ल दोनों के लिए यहाँ पे कलेक्शन मिल जाता है। 12 साल तक के बच्चों का बहुत ईजिली कलेक्शन मिल जाता है। मस्ट विजिट शॉप है, आप जब भी सरोजनी या बच्चों के लिए कुछ लेना हो तो इस वाली शॉप को ज़रूर चेक करना। मैं हमेशा चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से धीरे धीरे अच्छे से डिटेल से पूरा वीडियो आपको दिखाऊं, इसलिए मैं आराम से दिखाती हूँ। बहुत सारी शॉप मुझे कवर करने का नहीं रहता है, मुझे लगता है जितना दिखे उतना बहुत अच्छे से दिखे, इससे आपको समझ में आए। इसी शॉप के बाहर ना यहाँ पे ड्रेसेस की सेल लगी हुई थी। ये स्ट्रैप वाली ड्रेसेस थी 200 रुपीज़ में सेल थी, इसमें कॉटन की भी थी एंड जॉर्जेट मटेरियल की भी थी, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। इसमें साइज जो है वो लार्ज तक के लोगों को इजीली आ जाते हैं, एक्सल वाले को नहीं आएंगे। मैं पहले ही आपको बता दूं लार्ज तक के लोगों को ईजिली आ जाएंगे। काफ़ी सारी ड्रेसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, प्लेन में भी मिल जाएंगी, प्रिंटेड भी मिल जाएंगी, जैसी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। इसी की शॉप के बगल में एक शॉप थी, 104 था शॉप नंबर। यहाँ पे ना मुझे ड्रेसेस दिखी जिसका प्राइस भैया ने 650 रुपीज़ बताया। ये ड्रेसेस काफ़ी अच्छी लग रही थी, कॉटन टाइप के फैब्रिक में थी, इन पे कुछ ना कुछ भैया बार्गिन भी कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ड्रेसेस दिखी जो अलग अलग पैटर्न में थी। कुछ टॉप्स का भी कलेक्शन दिखा, सभी के प्राइस बताने में भैया इंटरेस्टेड नहीं थे, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ कलेक्शन शेयर कर देती हूँ, आप देख लीजिए एक बार। प्राइस रेंज की बात करूँ तो आपको 300-800 रुपीज़ की रेंज में सारा कलेक्शन दिख जाएगा, कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है। कलेक्शन बहुत ही अच्छा था, कॉटन का था एंड आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है उस टाइप का ही सारा कलेक्शन था, तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं। शॉप के बाहर इस टाइप से 100 रुपीज़ की सेल में भी इस टाइप से रिंग्स लगे होते हैं, जिनमें आपको ना टॉप्स मिल जाएंगे, ड्रेसेस मिल जाएंगे, तो उसमें भी आप सर्च करके कुछ ना कुछ अपने लिए अच्छा सा ले सकते हैं। इसमें भी काफ़ी कभी कभी ना काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर पीसेस मिल जाते हैं। बढ़िया वाला आ गया 100 पे, हर कलर हर डिजाइन मिलेगा, मात्र 100 रुपये में मिलेगा। 100 रुपीज़ में ये वाइट वाला पीस कितना अच्छा था, ये येलो वाला भी बहुत ही प्यारा सा था जो बहुत सुंदर लग रहा था। इसमें ये रोज के डिज़ाइन बने हुए थे, बहुत सुंदर सा था। इसके कुर्ते भी थे 100 रुपीज़ की रेंज में, जो कि नीचे से ना राउंड शेप वाले जो होते हैं, ये एकदम न्यू पीसेस थे एंड देख सकते ना कितने अच्छे अच्छे से पीसेज हैं, क्योंकि किसी का सेट नहीं था, इसकी वजह से आपको इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं। 250 रुपीज़ में आपको इस टाइप के ना कॉटन के ये सूट सेट मिल जाएंगे, इसमें कुर्ता और बॉटम होता है। ये भी मुझे बड़े ही अच्छे लगे, मोनोक्रोमेटिक लुक में थे, मतलब पैंट और कुर्ता एक जैसा ही था, जिसमें ये इंडिगो प्रिंट वाला काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड बहुत सारे अलग अलग प्रिंट्स में भी इनके पास थे। ये डेली वेयर के लिए मुझे बहुत ही अच्छे लगे, जैसे कि अगर जो डेली वेयर में सूट्स पहनते वो डेफिनेटली अपने लिए इस टाइप के सूट्स ले सकते हैं। दुपट्टा तो आप कोई भी मिक्स एंड मैच कर सकते हो, लेकिन बहुत प्यारे लग रहे थे। 250 रुपीज़ में यार स्टिचिंग भी नहीं मिलती है, अगर आप करवाने जाओ मतलब स्टिचिंग भी नहीं होती 250 रुपीज़ में, और यहाँ पे आपको पूरा कपड़ा सहित रेडीमेड सूट मिल रहा है। आपके अंदर 200 रुपीज़ में टी शर्ट की सेल थी, जिसमें आपको सारे साइज की सी टी शर्ट मिल जाएंगी, ओवर साइज की टी शर्ट तो बहुत ही सारी मिल जाएंगी गाइस, बहुत प्यारी प्यारी टी शर्ट्स थी।
सारी टी शर्ट जो थी लड़कों के लिए थी, वैसे तो कोई भी पहन सकता है गर्ल एंड बॉय, लेकिन लड़कों के लिए ज़्यादा मुझे दिख रही थी, बट लड़कियों के लिए भी कलेक्शन के पास काफ़ी सुंदर था 200 रुपीज़ में। बाहर जाके ना इस टाइप की ड्रेसेस देखी जो कप्तान स्टाइल ड्रेसेस थी, ये भी यहाँ पे मिल रही थी 200 रुपीज़ की। इसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शन थे और ये ना जॉर्जेट टाइप सीफोन टाइप के फैब्रिक में थी, तो समर के लिए अप्रोप्रिएट तो नहीं, बट अगर थोड़े बहुत इसमें आप पहनना चाहो, स्टाइल करना चाहो, तो स्टाइल कर सकते हो। जो मिली एक और शॉप जहाँ पे 250 रुपीज़ की सेल थी, सब कुछ 250 रुपीज़ में था, कुछ भी ले लो। यहाँ पे आपको काफ़ी प्रिटी प्रिटी से टॉप्स मिल जाएंगे, वो भी 250 रुपीज़ की रेंज में। ₹50 में काफ़ी सारी टीज का कलेक्शन था इनके पास, चाहे प्लेन ले लो या ग्राफिक वाली ले लो या ये टेक्स्ट वाली जो होती है उस टाइप की ले लो, 250 रुपीज़ में थी। बट मैं रिकमेंड करती हूँ ना 100 रुपीज़ वाली टी शर्ट जो बाहर ना लगी होती है रिंग्स पे, यार उनमें इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स मिल जाती हैं कि मैं सोचती हूँ कि क्या ही मैंने 200 वाली ले ली। मैंने आपके वहाँ पर थ्री टी शर्ट्स खरीदी 100 रुपीज़ वाली, हॉल में शेयर करूँगी आप लोग के साथ में। मुझे इनका भी कलेक्शन अच्छा लगता है, लास्ट टाइम मैंने यहाँ से 200 रुपीज़ की एक कैट वाली टी शर्ट ली थी, भैया का शॉप नंबर जो था 180 रुपीज़ था। वैसे इनके पास 250 टी शर्ट में जो ना क्वालिटी बहुत अच्छी थी, फैब्रिक काफ़ी अच्छा था, तो आप इस टाइप की टी शर्ट्स भी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। टॉप्स भी इनके पास बहुत सारे वैरायटी के थे, शर्ट्स भी इनके पास थी बॉयज़ के लिए, तो आप शर्ट्स भी ले सकते हैं। टाइप के 50 रुपीज़ वाले स्टॉल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे काफ़ी जगह मार्केट में, जिसमें भी आपको काफ़ी अच्छे टी शर्ट्स वगैरह मिल जाएंगे थोड़ा सा सर्च करने पे। तो यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिखा, यहाँ पे मुझे एक स्ट्राइप वाली टी शर्ट जो थी वो ठीक लगी थोड़ी सी, बाकी कुछ और भी दिखे मुझे, काफ़ी सारे लोग देख भी रहे थे, तो इनमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे आप लोगों को पीसेस मिल जाते हैं। ये मुझे मिली फुटवेयर वाली शॉप। इस वाली शॉप पे ना बाहर 250 रुपीज़ में ये फुटवेयर की सेल थी। इसमें इतने प्यारे प्यारे फुटवेयर थे कि आपको एक ना एक तो लेने का मन कर ही जाएगा, जिसमें आपको इस टाइप के आप फ्लैट्स वाले भी ले सकते हो, एंड ये पेस्टल कलर के तो यार इतने प्यारे लग रहे थे। इसमें वाइट कलर और पिंक कलर तो देख के मेरा मन कर रहा था, बट मैं ले लूँ, बस मैं ले लूँ, इतने प्यारे प्यारे से थे। एंड ये टैन कलर में भी काफ़ी सुंदर सुंदर से फुटवेयर आपको मिल जाएंगे, केवल 250 रुपीज़ की सेल थी यहाँ पे। के पास ही स्टॉल लगा हुआ था, 150 रुपीज़ में व्हाइट कलर की शर्ट थी, यहाँ पे भी मैंने आपसे बोला था पहले ही। इसके अलावा इस वाली शॉप पे ना एक कॉटन के कॉट सेट थे जो कि शॉर्ट टॉप वाले थे, 500 रुपये फिक्स प्राइस भैया ने बताया था, तो आपको ये भी यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें टाई एंड डाई वाले, प्लेन, खादी के फैब्रिक में सभी टाइप के कॉट सेट मिल जाएंगे। थोड़ा सा आगे चलने पे मुझे एक और टी शर्ट की शॉप मिली, इस वाली टी शर्ट पे बहुत अच्छी टी शर्ट थी गर्ल्स की, यार बहुत अच्छा फैब्रिक था, टी शर्ट की क्वालिटी तो माय गॉड बहुत ही अच्छी थी। प्रिंट्स में भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे, एंड इनके पास ब्रांड्स भी थे जो काफ़ी अच्छे अच्छे टी शर्ट्स के ब्रांड्स होते वो सारे इनके पास में थे। उनमें बहुत ही सुंदर सुंदर प्रिंट्स भी थे, कैट वाला, रेड वाला बड़ा प्यारा लग रहा था, पिंक वाला भी, ग्रे वाला भी,
वाइट तो बहुत ही प्यारा था जो मिक्की वाला था, और बहुत सुंदर सुंदर टी शर्ट थी केवल और केवल 200 रुपीज में। तो गाइस सभी शॉप के नंबर जो है मैं ऑलरेडी स्क्रीन पे दे दूंगी, तो अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा था आप वहाँ से शॉप नंबर देख लेना। ये सारी शॉप जो है वो एक्सपोर्ट लेन की हैं, तो कहीं और जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ मार्केट में एंटर रहते ही आप बस एक्सपोर्ट लेन की तरफ चल जाना और ये सारा कलेक्शन आपको वहीं मिल जाएगा। अभी वीडियो और भी बाकी है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगी, बिकॉज ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है अगर मैं सब कुछ इसी में शेयर करती। तो ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, शेयर करना सभी लोगों के साथ में। एंड मैं आप लोग के साथ ना शॉर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स को भी लाइक किया करो, आप लोग देखा करो। तो गाइज फिर मिलती हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।